बेगूसराय में आखिरकार बदमाशों ने दूसरी पर हत्या करने के मकसद में रहा कामयाब। घटनास्थल पर उमड़ी सैकड़ों भीड़। बेगूसराय में बहन के यहां से घर लौट रहे एक मजदूर की हत्या से आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई है। यह खबर जंगल में लगी आग की तरह हवा में उड़ते ही घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। दिहाड़ी मजदूर की हत्या से उपस्थित भीड़ स्तब्ध थे। दुखद घटना खोदाबुंदपुर थाना क्षेत्र के मेघौल गांव अंतर्गत भबरा स्थित एक गन्ने की खेत के निकट की है। मृतक की पहचान चिड़िया बरियारपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 सकरवासा महानपुर निवासी राम मदन महतो का लगभग 40 वर्षीय पुत्र भूपेंद्र महतो की है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अपराधियों ने कुछ समय पहले भी हत्या का प्रयास किया था। तब बदमाशों ने प्रीत को पिटाई के बाद हाथ पैर बांध पानी में फेंक दिया था। घर वालों ने बताया कि बीते मंगलवार को मृतक बरकुरबा गांव से अपनी बहन को मकर संक्रांति की प्रसाद देकर खोदाबंदपुर बस स्टैंड लौटा और वहीं से वह लापता हो गया। उन्होंने बताया कि काफी खोजबीन की गई लेकिन कुछ अता पता नहीं चला और आखिरकार गुरुवार की दोपहर लोगों ने मौत की सूचना दी। घटना की खबर मिलते ही पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज आगे की जांच में जुट गई है। हालांकि जिलेवासियों के लिए देखने वाली बात होगी कि जिले में एक मजदूर की मौत की गुत्थी पुलिस कैसे और कब तक सुलझा पाने में कामयाब हो पाती है। बिहार न्यूज प्रतिदिन के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। गए हुए थे बहन के यहाँ और बहन के यहाँ से आए खोदाबंदपुर, वहाँ गए थे बरकुरबा। अच्छा, बरकुरबा। हाँ, वहाँ से आए खोदाबंदपुर, खोदाबंदपुर में उतरे बस स्टॉपेज में, वहाँ से उतर के इनको उस जगह से लापता हो गए। ये हो गए मंगलवार का दिन था। पुलिस तो अभी इनको मरने के बाद ही इनको पता लगा, पुलिस को हम लोग कॉल किए, सब पुलिस वाले आए थे खोदाबंदपुर से, चरिया बरियारपुर से आए और उनको वहाँ पर देखे गए। देखकर उसके बाद बयान लिए हैं। अब बयान लेने के बाद अभी ये पोस्टमार्टम में भेजे हैं पुलिस। भूपेंद्र जी, मेरा साला है अमरजीत कुमार, दो दिन से ये गायब थे 19 जनवरी से। कल जो है निकाला गया, जैसे होता है ना कि मतलब अनाउंस करवाया जाता है कि मतलब नहीं मिल रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग हुआ, अनाउंस हुआ। उसके बाद फिर आज लगभग 12:30 बजे घसवा एक खेत में गोभी काटने के लिए गया तो मिले, इनका लाश देखा गया तो पूरा गांव में हल्ला हुआ। हम लोग गए देखे, लाश पहचाने। उसके बाद फिर वहाँ से थाना को कॉल किया गया, खुरमपुर थाना, चेरिया बरियारपुर थाना दोनों आए। उसके बाद खुरमपुर थाना के एक पुलिसकर्मी हम लोग के साथ आए हैं और यहाँ पे जिसका मतलब इनका पोस्टमार्टम के लिए कहा जाता है कि मार के फेंक दिया गया, चोट का निशान है। अभी तक कुछ मतलब बहुत सीधे साधे आदमी थे, वैसा कुछ दुश्मनी भी नहीं था। मामला अभी तक सामने नहीं आया, पुलिस बोले हैं जाँच करेंगे, छानबीन चलेगा। कुछ दिन पहले थे, कुछ दिन पहले भी इनके साथ घटना हुआ था, एक गड्ढा में इनको हाथ पैर बांध के फेंक दिया गया था। ये बोले कि 2 लड़का था जो कि फेंक दिया। क्या करते थे ये? इसे मजदूरी करते थे, चिमनी वगैरह में काम किया करते थे, खेत उत में काम, दूसरे के खेत में, अपना खेत नहीं था इनके पास। इनका नाम भूपेंद्र कुमार है, राम मदन महतो। घर कहाँ है? घर इनका महनपुर सकरवासा में, वार्ड नंबर 1। बगल के हैं, चाचा लगेंगे। मेरा नाम विश्वास कुमार है।